बरसात से पहले ही रायपुर की सड़कें बदहाल हो गई हैं। नजारा रायपुर की अर्जुन वैली कॉलोनी का है, जहां लोगों को आने जाने में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। रहवासी बताते हैं कि 2014 में यहां पर सड़कें नहीं बनी हैं। मूसलाधार बारिश में कीचड़ और गंदगी से गुजरना मुश्किल हो गया है। कई बार इसकी शिकायत करने पर भी कोई सुधार नहीं किया गया। अमूमन यही हाल सब जगह का है। आपने कभी धरती पर चांद देखा है? अगर नहीं तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आज हम सड्डो के अर्जुन वैली कॉलोनी में मौजूद है। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये सड़क है वो कब से नहीं बनी है और कब से आपको ये समस्या हो रही है। मैडम, ये सड़क तो मुझे लगता है बिल्डर ने पहली बार इसका भूमि पूजन किया होगा सड़क का, लेकिन उसके बाद इन्होंने कभी कुछ किया नहीं। और इसकी जानकारी हम समय समय पर नगर निगम अधिकारियों को भी दिए हैं, बिल्डर को भी ये मालूम है। इवन हम लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पीएमओ ऑफिस में हमने ऑनलाइन कंप्लेन भी रजिस्टर की है रोड के लिए, लेकिन फिलहाल यहाँ कुछ होता नहीं है कभी भी। महज जो है कल रात की 10 मिनट से बारिश से आपको सड़क का जो ये नजारा है वो देखने को मिल रहा है। अगर मानसून का सीजन लगता है तो क्या नजारा होगा वो हम वो आप सोच ही सकते हैं। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कब से ये जो आलम है वो है और क्या कहना चाहेंगे प्रशासन। ये आलम तो कई समय से है, बहुत समय से चल रहा है इसको, लेकिन हम लोग अभी तक बातों से ही कई बार हमने बात कर चुके हैं, लेकिन हमेशा आश्वासन ही मिल रहा है कि आज हो जाएगा कल हो जाएगा। लेकिन क्या ये समस्या दिनों प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, क्योंकि कॉलोनी में कार्य चल रहे हैं जिससे कि ये मट्टी और ज्यादा मतलब विकराल रूप ले रहा है। मतलब रास्ता बिल्कुल पैदल चलना तक मुश्किल है आदमी का, बाकी तो छोड़ दीजिए गाड़ी मोटर तो छोड़ दीजिए, पैदल चलना मुश्किल हो गया है। पैरों में चलो तो 2-2 किलो पूरी मट्टी चप्पलों में चिपक जाती है। इतना बुरा हाल है कि मतलब क्या बताएं, जिसको लेकर आज हम बहुत ज्यादा गंभीर हैं, क्योंकि अगर ये हम नहीं ऐसे आए दिन अगर इनके पीछे नहीं पड़ेंगे और ऐसे नहीं होगा कुछ तो हमारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब बिल्कुल कार्य रुक जाएगा इस कॉलोनी का, ऐसा है। तो हम चाहते हैं इसको सीरियसली लिया जाए और जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए, ऐसा है। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के रहवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अभी मानसून का सीजन आ चुका है, तो ऐसे में रोड है वो भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि बरसात में जो है वो सड़क भी नष्ट हो जाएगी। और ऐसी हालत में अभी बरसात का मौसम यदि ज्यादा होता है, अगर कंटिन्यू बारिश होती है, तो इस रोड का नजारा तो देखने लायक होगा। यहाँ पर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित होगी। कैमरामैन रेखराम देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए।